मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि अगर इन अभ्यासों को आप सिर्फ 4 हफ्ते कर लेना तो आपके शरीर में गजब की मजबूती आएगी, गजब का स्ट्रेंथ और स्टैमिना आपका इम्प्रूव होगा, इन्हेंस होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। आइए करते हैं वो सारे अभ्यास हमारे शरीर की कैलोरीज को बर्न करेंगे जो इफेक्टिव फैट लॉस और वेट लॉस करने में मदद करेगा। यूं तो इफेक्टिव फैट लॉस और वेट लॉस करने के लिए आपको खान पान का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो एक्सरसाइजेज हैं वो आज इस वीडियो में आप देखने के लिए जानेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मैट पर खड़े होकर 30 सेकेंड्स की वॉक करना शुरू करेंगे, नॉर्मल वॉक करेंगे, और पूरे के पूरे अभ्यास को बड़ी आसान तरीके से हम करेंगे ताकि कोई भी इसका अभ्यास कर लें। तो सबसे पहले स्पॉट वॉकिंग शुरुआत कर दी है हमने, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और फिर उसके बाद हम यहीं पर खड़े होके स्पॉट मार्चिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। फिर उसके बाद हम वहीं पर स्पॉट जॉगिंग करेंगे धीरे धीरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। फिर उसके बाद वहीं पर खड़े खड़े हम स्पॉट रनिंग करेंगे, धीरे धीरे शुरू करेंगे, जितनी स्पीड अप कर सकते हैं अपनी रनिंग को उतना स्पीड अप करेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इतना अभ्यास करने के बाद आप थोड़ा नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें और अपनी हार्ट बीट को महसूस करें। इन तीनों अभ्यासों को आप 3 सेट दोहरा लें, जैसे मैंने एक बार करके दिखलाया आपको, तो 3 सेट दोहरा लें, और अगर नंबर ऑफ रिपीटेशन जैसे मैंने 10-10 रखी है, आप 20-30 जितना करना चाहे उतना कर लें। फिर उसके बाद आराम से नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़े, अब हम जॉगिंग करेंगे। स्पॉट में ही खड़े होके दोनों हाथों को इस तरीके से आप अपने एल्बो से मोड़ लेंगे, और एल्बो से मोड़ने के बाद हथेलियों को थोड़ा हायर रखिएगा, इस तरीके से, बहुत नीचे ऐसे ना हो, हायर रखिएगा, जिससे पैर उठाने में थोड़ा आपको लोअर बॉडी पर भी काम हो। ऐसे 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 ऐसे, तो जिससे थाई का दबाव पेट पर पड़े। शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इतना आसान था ना, थाई का दबाव पेट पर पड़ा और इसके साथ ही लोअर बॉडी और पेट दोनों एक्टिवेट हुए। फॉरवर्ड जॉगिंग के बाद अब बैकवर्ड जॉगिंग, दोनों हाथों को इस तरीके से आप अपने हिप के ऊपर रख लेंगे, इस तरीके से, ठीक है, और पैरों के बीच में फासला बढ़ा के 10 times अपने हील से हिप को टैप करें, कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब साइड जॉगिंग, दोनों पैरों के बीच में फासला कर लिया है, दोनों हाथों को इस तरीके से कलाई से मोड़ लें एंड शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सीलेंट। इन्हीं सारे प्रैक्टिसेस को ऐसे धीरे धीरे 3 सेट रिपीट कर लें, वो लोग जिनको घुटने में दर्द है या बुज़ुर्ग हैं या ज़्यादा जंप नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे स्लो स्लो प्रैक्टिस कर लें, रिपीटेशन अपने हिसाब से बढ़ा लें, वॉक करें, थोड़ा सा ब्रेक ले लें हर एक प्रैक्टिस के बाद 10 सेकेंड का, और फिर उसके बाद वापस से नाक से सांस लें, इन्हीं प्रैक्टिसेस को थोड़ा हम चैलेंजिंग करेंगे। अब
दोनों हाथ की इस तरीके से मुट्ठियां बना लें और मुट्ठियों को अपनी छाती के सामने रखें इस तरीके से, तो जो महिलाएं हैं उनको जंप करने में दिक्कत ना हो। और एल्बो को आप टैप करेंगे और जंप करते हुए, घुटनों में दर्द है जिनके वो जंप ना करें, थोड़ा सा लीन बैक हो जाएं और फिर उसके बाद शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब फॉरवर्ड होने के बाद अब बैकवर्ड इसी तरीके से थोड़ा सा फास्ट करेंगे प्रैक्टिस। दोनों हाथों को अपने बॉडी के पीछे रखा एंड शुरू करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर उसके बाद साइड जॉगिंग इसी तरीके से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 10 सेकेंड का ब्रेक लेंगे। नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। अब इन तीनों प्रैक्टिसेस को आप वापस से दोहरा लें 3 बार, लाइक एक सेट हमने किया वीडियो में, 2 सेट और भी दोहरा लें। अब इसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं इंजन दौड़ स्लो स्पीड में। तो दोनों पैरों के बीच में हिप जितना फासला किया, दोनों हाथों की इस तरीके से मुट्ठी बनाई और मुट्ठी बनाने के बाद ऐसे सामने की तरफ ऐसे स्लो कर रहे हैं पहला राउंड अभ्यास, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। चलिए शुरुआत करें 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं आपके हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव करेगी, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव करेगी और साथ ही आपको ऊर्जावान करेगी। ब्रेक ले लिया है, नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। अब इसी प्रैक्टिस को फास्ट करते हैं। जो कूद नहीं कर सकते, जंप नहीं कर सकते और बुजुर्ग हैं वो जंप ना करें, पिछली प्रैक्टिस को 3 बार रिपीट करें। अब चैलेंज बढ़ाएंगे, हाथों को इस तरीके से रखा, मुंह को बंद करके रखिएगा, नाक से ही सांस आएगी जाएगी। कैसे? ऐसे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। 10 का रिपीटेशन, 20 का रिपीटेशन, जितने आपको करने हैं वो आपकी मर्जी है। ब्रीद करें, ब्रीद करें, ब्रीद करें, ब्रीद करें। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप मेरी निगरानी में रह के हर रोज योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है ताकि देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो आप 1 घंटे का अभ्यास हर रोज़ मेरे साथ कर लिया करें। ये क्लासेस बिगनर फ्रेंडली हैं, अगर आप एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर हैं तो भी कर सकते हैं ज्वाइन, या कि फिर अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है जैसे थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी की समस्या, डिप्रेशन है, रात में नींद नहीं आती, जॉइंट पेन, बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल पेन, ऐसी सभी समस्याओं में ये क्लासेस हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं, और मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इन क्लासेस में हम क्या क्या सीखेंगे, तो इन क्लासेस में हम सीखेंगे अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान कैसे करते हैं, रिलैक्सेशन किस तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके की क्लींजिंग टेक्निक भी मैं सिखाती हूँ। तो बिना देरी किए हुए इन क्लासेस को ज्वाइन करें। अगर आप इन क्लासेस को नहीं ज्वाइन कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो मैंने कुछ कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं जो कि कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली हैं, 1 घंटे की वीडियोज़ होंगी, उनको कभी भी आप प्ले करके किसी भी वक्त अभ्यास कर सकते हैं। इन क्लासेस में भी, इन जो कोर्सेज हैं इनमें भी आप आसन, प्राणायाम, ध्यान कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके बारे में और जानकारी कैसे मिलेगी, तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर आप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, आप इस नंबर पर भी एक व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको क्लास के बारे में सारी की सारी जानकारी भेज दी जाए। अब इसके बाद अब हम आराम से अपनी योगा मैट पर इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे। पहले प्रैक्टिस आसान वाली कर रहे हैं। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें,
सांस छोड़ें। तो इस तरीके से सांस लें, पैर को सीधा करें और घुटने को माथे की तरफ लेके आए। शुरू करें, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1। अब इसी तरीके से दूसरे पैर से भी सेम अभ्यास, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं और फिर उसके बाद हेड को ड्रॉप कर ले, रेस्ट करें 10 सेकेंड्स का। अब ये तो अभ्यास मैंने बिगनर्स के लिए बता दिया, थोड़ा सा और स्ट्रेंथ आपके हो तो अब आराम से हम इस प्रैक्टिस में थोड़ा सा और चैलेंज ऐड करेंगे। और किस तरीके से अभ्यास करेंगे, आराम से टेबल टॉप पोजीशन पे पहले थे और फिर उसके बाद टो को टक करेंगे और हिप को इस तरीके से अप कर देंगे। अप करने के बाद अपने राइट पैर को इस तरीके से सीलिंग की तरफ उठाएंगे और सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटने को माथे की तरफ लेके आएंगे। 10, 9, इससे शरीर में गजब की मजबूती आएगी। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1। फिर इसके बाद दूसरे पैर से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1। फिर उसके बाद वापस से हम अपनी योगा मैट पर इस तरीके से हील्स पर बैठ के हेड डाउन करके रेस्ट करेंगे। अब मैं आपको सिखा रही हूँ किस तरीके से आप करेंगे डॉल्फिन पुशअप का अभ्यास। पहले हम इजी वाला अभ्यास करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा चैलेंज ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आपने अपने एल्बो को मेजर कर लेना है। एल्बो को मेजर करने के बाद दोनों एल्बो को अपने घुटनों से दूर रखना है और घुटनों से दूर रखते वक्त अपनी हिप को उठाना नहीं है। फिर उसके बाद हथेलियों को खोलना है, उंगलियों को इंटरलॉक करना है और फिर उसके बाद अपने हिप को उठाना है और दोनों घुटनों के बीच में अपने हिप जितना फासला कर लेना है। हिप को उठाया, दोनों घुटनों के बीच में फासला कर लिया और फिर उसके बाद अपनी बॉडी को मूव करेंगे ऐसे फॉरवर्ड, ऐसे आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ, आगे की तरफ और इससे पीछे की तरफ, और पेट की मांसपेशियों को मजबूती से टाइट करके रखिएगा, ठीक है, इंगेज करके रखिएगा। शुरू करते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, and 5, and 4, and 3, and 2, and 1। फिर उसके बाद अपने एड़ियों पर बैठ जाएं और अपने हेड को ड्रॉप कर दें इस तरीके से और रेस्ट करें। कुछ देर रेस्ट करने के बाद अब हम इसका चैलेंज थोड़ा बढ़ाएंगे। तो वापस से फिर से अपने एल्बो को मेजर कर लिया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन तुरंत आप चैलेंज ज़्यादा महसूस करेंगे। एल्बो को दूर रख दिया, हाथ को इस तरीके से खोल लिया, उंगलियों को फंसा दिया, फिर उसके बाद अपने टो को इस तरीके से टक कर दिया। टो को टक करने के बाद अपने हिप को इस तरीके से उठा दिया। हिप को उठाने के बाद अब आपको मजबूती से अपने एल्बो को मैट पर रखना है, बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। और फिर उसके बाद मूव करेंगे अपनी बॉडी को कैसे, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10। फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो इन सारे प्रैक्टिसेस को जो मैंने बताई, ईजी वाली और थोड़ी चैलेंजिंग वाली, इनको भी आप 3-3 बार रिपीट कर लीजिएगा। और नंबर ऑफ जो रिपीटेशन है वो आप ध्यान दीजिए कि 10 करना है, 20 करना है, 15 करना है, आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है। चलिए अब बैठकर आगे की प्रैक्टिसेस करते हैं। आराम से अपनी योगा मैट पर दोनों पैरों को इस तरीके से फैला लिया ऐसे, और फिर उसके बाद स्विंग करेंगे कैसे,
लेग रेज किया, फिर उसके बाद हेड टूवर्ड्स योर नी। तो उत्तान पादासन और पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास कैसे, सांस लिया और सांस छोड़ा, सांस लिया और सांस छोड़ा, थ्री ऐसे, फोर ऐसे, फाइव ऐसे, बहुत मजा आ रहा है इस तरीके से, सिक्स ऐसे, सेवन ऐसे, एट ऐसे, लास्ट टू मोर लाइक दिस, लास्ट वन मोर एंड हेड डाउन। इस तरीके से अभ्यास करने के बाद फिर रेस्ट करेंगे शवासन में। अब आराम से मैट पर लेटे हुए जरा अब अभी आगे हमने अपर बॉडी पर काम कर लिया, पेट पर काम कर लिया, अब अपने हिप्स पर काम कर लें। जरा अपने दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखिए और फिर उसके बाद ऐसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इसको भी 3 सेट आप रिपीट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद शवासन में लेट जाएं। आशा करती हूँ ये सारी प्रैक्टिसेस करके आपको बहुत मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जाने से पहले। और अगर आपका कोई सुझाव है, आप मुझे बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे, तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा। अपना सभी ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और निरंतर योग का अभ्यास करते रहें। नमस्ते।